मैं विषयात बोटॉक्स नहीं करवाने चाहिए। ओप्स ओके ओके। आयशा उमर, आयशा उमर ओवर स्टाइलिंग, ओवर स्टाइलिंग नहीं करनी। सज्जल अली, सज्जल अली सज्जल अली सही है, सही है। उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आज से शादी? हाँ, आज से शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए। ओके। मथीरा, मथीरा ओवर बॉटम पैदा नहीं होना चाहिए, पैदा नहीं होना चाहिए। आपने जवाब नहीं देने, प्लीज आप आगे सुना कर ना हमें जवाब। जी जी चले, आप अपना जवाब दे, मैं बस आ गया तो रोका नहीं मैंने। आपका यही जवाब है? मेरा भी यही जवाब है। लगेगा आपके वाले। अच्छा ठीक है। सना जावेद, सना जावेद शादी को मजाक नहीं बनाना चाहिए था। शुएब मलिक, शुएब मलिक उनको भी शादी को मजाक नहीं बनाना चाहिए था। ओके अब हम कुछ सिंगर्स के नाम लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप कौन, क्योंकि हमें आपका अंदाजा है कि आप कंट्रोवर्सी में तो पड़ेंगे नहीं, तो इसलिए आपसे कहेंगे आप घुमा फिरा के जो भी पसंद का जवाब है। बिलाल सईद, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था? क्या नहीं करना चाहिए बता दें। बिलाल सईद भाई उनको अपने वो जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कौन सा सिंगर है जिसको इस वक्त गाना नहीं गाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिसको लगता है कि वो नहीं गा सकता? प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता नहीं ना। अच्छा, अब एक सवाल मेरा, चाहत फतेह अली खान, उनको सिर्फ चाहत को अपने नाम के साथ ना सिर्फ फतेह अली खान हटा, ये बात हटा देना चाहिए, बाकी वो बहुत अच्छे हैं। फतेह चाहत रह जाए पीछे। हाँ चाहत, चाहत फतेह अली खान उनको मैं भी ना सिर्फ चाहत कहता हूँ। अच्छा, क्योंकि जुगत का भी दिल नहीं, क्योंकि दोनों जुगत भी करनी होंगी ना। अरे बुड्ढे संडे वर्गा मूवी होना। हाँ, इस बात पे हम ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दिल से, खैर से, ईद मुबारक।
जबरदस्ती जैन साहब की सबसे अच्छी बात है कि सेट पे मौजूद हर शख्स चाहे वो ऑन कैमरा है या ऑफ कैमरा है सब इतनी जो कह ले ना शौक से सुनते हैं इनको और इतना अच्छा ये माहौल यहाँ पर बना दिया है। मेरे ख्याल से टीवी स्क्रीन पे आपको जितना मजा आ रहा होगा उससे डबल मजा हमें सेट पे लाइव सुनते हुए। और बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स जो सुनते हैं और जो जिनकी आप लाइव रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो एक जैसी होती है। ये जैन जोहेब साहब जब शुरू करते हैं इनका स्केल माशाल्लाह लाइव में वैसे तो कवाल जो होते हैं उनका स्केल ऊपर होता है लेकिन इतनी परफेक्शन है माशाल्लाह ये बहुत कम। लेकिन पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है भाई, बहुत कम लोगों को मिला है और पाकिस्तान में तो खैर लोग हैं ही। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह मे गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही गाते रहें और ऐसे ही हमें ऐसे सुनाते रहें। शाह साहब हम ईदियों का जिक्र करें थोड़ा सा लाइटर इन पे रखते हैं। व्हाट डू यू कुक, हैव यू एवर कुक्ड समथिंग हमारी भाभी के लिए? और मैं आपकी देखते रहता हूँ ट्रैवलिंग भी आप करते रहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा होगा कि आज मैं आपको कुछ बना के ट्रैवलिंग में? तो वो भी कुक नहीं करती है। अच्छा, अभी है नहीं, खास होता ना, खास मौका आ गया या वैसे नहीं, मैं जिंदगी में नहीं, मुझे भी मैं किचन में कभी नहीं गया, कुछ मेरे दाखिले पे भी पाबंदी है। क्यों? बस वो चीनी खा जाते दाखिले में पाबंदी क्यों है, इस बात का मैं जवाब चाहता हूं। भाई वो बेगम का ख्याल ये है कि मैं फिर वो होता ना कि भाई ये कुछ ना कुछ यहाँ पे फलाना चीज ठीक नहीं है। कुछ नहीं बनाया यार, वो एक जमाने में ना इसी तरह का एक प्रोग्राम होता था, उसके लिए एक कुछ चीज बनानी थी। अच्छा, तो वो अंडा क्राइसिस एक चीज थी, वो हमने बनाई थी। मतलब बिल्कुल कभी भी नहीं बनाई। अलबत्ता खाने के हवाले से यानी कि जिसे खुश खुराक हम कहते हैं, जो खाने का टेस्ट जिसका यानी कि वो बहुत ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं खाता, मगर ये है कि खाने के जायके के हवाले से खुश खुराक और खुश जायका खाना, मतलब वो अच्छा पहचान है आपको उस खाने की, मेरा ख्याल है काफी है। काफी अगर नहीं हो तो मैं बाजू का बहुत कम खाता हूँ, बाजू का छोड़ देता हूँ। ओके, खाना लेकिन अच्छा होना। सारा आप कुकिंग करती हैं? बिल्कुल, मुझे कुकिंग का शौक है। ओके, बस टाइम बहुत कम मिलता है टू डू इट, लेकिन आई स्टिल डू इट व्हेन आई गेट। किस तरह का खाना बनाती है? मैं बना इटालियन, जापानीज, थाई। मेरे हस्बैंड देसी नहीं खाते, तो मैं उनके लिए वंस अ वीक अभी भी ये सब जो है ना जो कॉन्टिनेंटल ऑल दैट ये बनाती हूं। इटालियन नहीं नहीं, पाकिस्तानी है बट वो लेकिन खाते हैं, टेस्ट इटालियन खाते हैं, उनका टेस्ट सबसे अच्छा। मैंने संदीप जी से पूछा, शायद जो आपने कहा ना इटालियन जापानीज, मैंने कहा शायद यहां से नहीं। नहीं नहीं, सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा मैं एक डिश का नाम बताऊं? जी जी, डिश का नाम। ओके, सो देयर इज दिस डिश हम बनवाएंगे नहीं, सिर्फ पूछेंगे। ठीक है, चिकन कॉर्डन ब्लू। ओके, सो आई मेक दैट वेरी वेल। तो मेरे इन लॉज में भी कोई दावत होती है तो दे रिक्वेस्ट मी कि मैं वो चिकन।